about the angles. Now coming to the next one. So let's try. Find the value of x in each of the following figures is L parallel to M. यहाँ दो फिगर गिवन है, यहाँ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. यहाँ x का इट मीन यहाँ जो वैल्यू आती है वो फाइंड आउट करनी है. इन द नेक्स्ट फिगर यहाँ क्या है, यहाँ x है वही फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये जो शब्द है मैनी टाइम्स मैनी मेथड्स पॉसिबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 110 है. अगर मैं ये फाइंड करूँ तो क्या होगा, लीनियर पेयर होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, राइट. देन तो ये फाइंड आउट कर दो, देन ये एंड ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ना. इफ आई फाइंड ये जो है और यहाँ मैं फाइंड आउट करूँ ये, तो ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर, राइट. सो ये फाइंड आउट होगा तो ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स भी होगा ना. सो मैनी मेथड यूजफुल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है एक ही मेथड करें. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल. यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है एंड ऑल्सो लीनियर पेयर, बिकॉज यहाँ स्ट्रेट लाइन है सो लीनियर पेयर. सो आई विल राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर वन. ये जो फर्स्ट वन है वो हम फाइंड आउट करते हैं. सो आई विल राइट हियर एल पैरेलल टू एम एंड टी इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल, राइट. नाउ ये जो 110 है यहाँ कुछ नहीं है, सो यहाँ कुछ भी वेरिएबल नहीं थी वो इट मीन ए. सो कन्वीनियंट रहेगा इसीलिए. सो आई विल राइट हियर 110 प्लस ए. दोनों का टोटल तो मुझे पता है, ये दोनों का टोटल क्या होगा, यस 180 डिग्री होगा ना. सो आई विल राइट हियर 180 डिग्री. तो ये क्या होगा, लीनियर पेयर. सो नाउ हमें हमारा ए मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110. सो ए इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो ए क्या आया, 70 आया. सो आई विल राइट हियर 70 डिग्री. ओके ये 70 डिग्री है, इट मीन्स ये क्या है, 70 डिग्री होगा. ये कौन सा एंगल हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट साइड, सो राइट साइड ट्रांस, ये जो पैरेलल लाइन है उसे ऊपर, सो ये 70 है. तो यहाँ भी पैरेलल लाइन है उसे ऊपर है ऑल्सो राइट साइड, इट मीन्स ये 70 है तो दिस वन इज ऑल्सो 70. सो आई विल राइट हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स और ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, इट मीन्स देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो ये भी क्या हुआ, 70 डिग्री. सो हमें मिल गया. नाउ जरूरत नहीं है, फिर भी हम अगर करें तो क्या करेंगे, सो ये मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट ऐसे ही करेंगे. ये 110 है तो उसका ऑपोजिट इट मीन्स ये भी क्या होगा, 110 होगा ना. ये 110 इट मीन्स ये 110, ये कौन सा एंगल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. इट मीन्स ये 110 हुआ तो देखो ऑपोजिट से और डेड हुआ, इट मीन्स कौन सा एंगल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. तो ये 110 है, इट मीन्स ये भी क्या होगा, 110 होगा. और ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70, इट मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये 70 है तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो 70 एंड ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट. ये 70 है हमें ये नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, इट मीन्स ए प्लस 70 इज इक्वल टू 180. सो हमें हमारा मिल जाएगा, वो भी कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ 110 आया ना,
So angle B is equal to 70 degree. Thus angle G is equal to 70 degree. So hume angle G is equal to 70 degree. Angle G is equal to DGC. So I will write here angle DGC. Okay, DGC. Understood na? So हमने क्या किया, ये figure को थोड़ा translate में ऐसे कर दिया है जैसे हमें convenient हो. Now coming to the next one. So हमें ये हमारा 70 degree मिल गया है. अब हम क्या करेंगे, second one क्या find out करना है, angle DEF. So angle DEF ये find out करना है. It means देखो DEF find out करना है. तो अब हम क्या करेंगे, फिर से ये 70 डिग्री है DGE, अब ये C है और ये F है. अब हमारे पास ये है तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं रख कर रही हूँ बिकॉज कन्वीनियंट हूँ इसीलिए. सो क्या करेंगे, अब थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ तो मिस्टेक ना हो. सो देखो ये क्या है, ये 70 है तो ये भी क्या हुआ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है. इट मीन एंगल की जो है इनका ये फाइंड आउट करना है. तो ये 70 है, इट मीन ये भी क्या होगा, 70 होगा ना, और कौन सा एंगल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना. सो आई विल राइट योर एंगल बी जी सी एंड एंगल, देखो बी जी सी एंड एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 70 है तो ये भी क्या हुआ, 70 हुआ ना, ये 70 है फिर ये 70 है. मैंने फिंगर ऐसे भी इस जगह कुछ किया नहीं, लेकिन लाइन को नहीं आती एक्सटेंड की, तो ये फिगर बन गया और जो पहले वाला था वो रफ कर दिया. तो ये 70 है फिर ये भी 70 है, तो ये 70 है फिर ये भी क्या हुआ, 70 हुआ ना. सो आई विल राइट हियर एंगल DGC is equal to 70 degree. That thus angle DEF is also 70 degree. Okay, understood. So easy thing is हमें हमारा DEF भी मिल गया, तभी क्या है 70 degree. Okay. Now coming to the next one. So in the given figure, we don't decide whether the L is parallel to M. यहाँ line क्या given है? Line L and M given है. और ये line क्या है? Parallel. Transversal line है. हमें देखना है ये line parallel है या नहीं है, वो हमें decide करना है. So कैसे करेंगे? According to properties of all angles, it means corresponding angle, alternate angle and also interior same side of transversal. Okay, so let's start. So यहाँ क्या है, L and M है. So हमें decide करना है ये parallel दिखती है लेकिन actual में parallel line है या नहीं है. According to our angles, जो property है उसे follow करना है. So ये दोनों given है, it means ये कौन सा angle हुआ, हमारे पास ये भी है ये भी है, तो क्या होगा, yes interior same side of transversal. So I will write here angle 126 plus angle 44. So क्या होगा, 0 7 170 हुआ. So 170
Fame said of Franz Marcel, is not worth 80 degree. Understood? ये दोनों का टोटल worth 80 degree होता है. It is L parallel M. But यहाँ दोनों का टोटल नहीं हुआ, तो ये parallel line नहीं है. So now second figure है. ये देख के इसमें तो हमें पता नहीं चला ये parallel है या नहीं है. According to properties से हमें पता चला. लेकिन यहाँ तो figure देख के हमें पता चल जाएगा. Corresponding angle, it is not equal. It is not equal. Understood? Now coming to the next one. हमें ये पता है, तो ये पता कर लेंगे. Then also corresponding होगा ना? So देख लेते हैं. So first of all यहाँ ये So I am writing here a plus 57 is equal to 180. हमें पता है ये क्या है? Supplementary angle. ठीक है? यहाँ सभी
इक्वल टू 108। यहाँ क्या है 108 डिग्री। ये 108 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 108 होना चाहिए। तो ये तो क्या है 98 है। तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। सो आई विल राइट हियर एल इज नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज